हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 1.3 का देख रहे थे, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण वो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया। अब हम फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया हुआ है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर कितना होता है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है कि 1/7 बराबर इतना होता है। अगर नहीं जानते तो हम 7 में 1 से भाग करके देख लेते हैं क्या वास्तव में इतना होता है कि नहीं। 7 में जब 1 से भाग करेंगे, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा दिया, एक शून्य आ गया, 7 × 7 घटाएंगे 3, भाग आप लोगों से बनता ही होगा। यहाँ पे 30 हो गया, 4 बार जाएगा, 7 × 4 = 28, फिर 2 आ गया, फिर 0 उतारेंगे, 7 × 2 = 14, 6 आ गया, फिर 0 उतारेंगे, 7 × 8 = 56, 4 आ गया, फिर 0 उतारेंगे, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, फिर 5 आ गया, फिर 0 जब उतारेंगे, 7 × 7 = 49, ये हो गया, फिर 1 आ गया, और फिर जब 0 रखेंगे तो फिर वही संख्या 10 बन जाएगी। तो यहां से हमको की पुनरावृत्ति होने लगेगी, फिर से वही 1 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, ऐसा जाता जाएगा। तो बार बार वही अंक ना लिख के उसके ऊपर क्या लगा दिया गया है, बार, ये इतना हो गया। इसके आगे दिया हुआ है, वास्तव में लंबा भाग किए बिना, ये भाग अब नहीं करना है, क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। ठीक है, 1/7 के दशमलव प्रसार तो यह है, हमने भाग करके भी देख लिया। अब कुछ और संख्या दी हुई है उसका बताना है दशमलव प्रसार क्या होगा, लेकिन ऐसा बार बार भाग नहीं करना। ठीक है, वो कौन सी संख्याएं हैं, 2/7, इसका बताना है कि ऐसा दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं, 2 × 1 = 2/7 वही है, ऊपर 2 × 1 = 2/7, ये हो जाएगा हमारा 2 × अब 1/7 का मान तो दिया हुआ था, ये इसकी जगह पर दिया इसको 1, 4, 2, 8, 5, 7 के ऊपर ये बार लगा दिया। अब 2 का गुणा कर लेंगे, 2 का गुणा कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.7 × 7 × 14, 2 × 5 = 10 = 11, 2 × 8 = 16, 16 × 1 = 17, 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 5, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, और 0 में किएंगे करेंगे तो 0, ये आ गया। ठीक है, और इसी तरह से दिया हुआ है 3/7 का मान ज्ञात कीजिए, तो 3 × 1/7 इसको इसी तरह से लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 × 0.142857 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है ना भाई, 1/7 का मान कर दिया, इसका भी इसी तरह से हम गुणा करके देख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15 = 16, 1 × 17 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15 = 17, 3 × 8 = 24, 1 × 25 = 25, 3 × 6 = 8, 3 × 12 = 12, 12 × 1 = 13, 3 × 3 = 3, 3 × 1 = 4, ठीक है, और ये हो गया 0.7। तो इस तरह से और भी दिया हुआ है, हम उनको भी कर सकते हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं, 4/7, 5/7, 6/7, इन सब का मान भी हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे निकालना है, 4/7 तो 4 × 1/7, फिर 4 का गुणा, 5/7 तो 5 × 1/7, फिर उसका गुणा, और इसी तरह से 6/7 का, जो कि आप लोग अपने से करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दिया हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है इस पे। इसमें क्या दिया हुआ है, निम्न संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी क्यू पूर्णांक है, P/Q के रूप में बनाना है।
ठीक है, उसमें पहला दिया हुआ है 0.6 और 6 के ऊपर क्या लगा हुआ है बार, ये इस तरह से दिया है, हमको इस तरह से बटे वाली संख्या के रूप में बनाना है, ठीक है ना। 6 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब कोई ऐसी संख्या रही होगी जब हमने भाग किया होगा तो बार बार 0.66666 आता रहा होगा, ठीक है। तो इसको हमको किस तरह बनानी है, इस तरह से बनानी है। हमको पता नहीं कि ये संख्या क्या बनेगी पी अपॉन क्यू के रूप में, तो इसको हम मान लेते हैं कि माना x बराबर 0.6 के ऊपर ये क्या लगा हुआ है बार। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं x बराबर 0.6666, कई बार आता जाएगा ऐसा, इक्वेशन बन दे दिया इसको ये। अब ये दशमलव के राइट साइड पे एक संख्या ऐसी है जो बार बार आ रही है, एक ही संख्या है 6 बार बार आ रही है, तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ये समीकरण लिखेंगे, दोनों पक्षों में दस से गुणा कर देते हैं, एक संख्या है ना तो 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर 10 का गुणा x में किया ये 10 गुणे x, ठीक है। इधर है 0.6666 गुणे 10, 10 में x का किया तो 10x, जब इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6.6 गुणा क्लोज बनता है, या तो गुणा हो जाएगा एक अंक पर दशमलव दशमलव या बदल जाएगा, अगर 100 होता तो दशमलव 2 अंक सकता, 1000 होता तो दशमलव 3 अंक सकता, 6 6 6 6 6, ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा लेते हैं, समीकरण 2 में एक को घटाने पर ये दायां बायां पक्ष से और दायां पक्ष से घटेगा, दो में जब 10x लिखा हुआ है और एक में साइड x लिखा हुआ है तो -x, फिर दो में जब लिखा हुआ है 6.666 माइनस यहां लिखा हुआ है 0.6666, ये 10x है, 10x में 1x कट गया 9x बचा, इधर कैसे घटाएंगे, ये देखो 6.666 ये क्या लिखा हुआ है 0.666, यहां सभी जगह 66 ही रहेंगे, ठीक है, 6 में 6 घटाएंगे 0, 6 में 6 घटाएंगे 0, 6 में 6 घटाएंगे 0 और 6 में 0 घटाएंगे तो 6, तो कुल मिलाकर क्या आ गया 6.000, पॉइंट के बाद 0 लिखा है तो हम चाहे तो केवल 6 लिख सकते हैं, ये आ गया 6। यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 नीचे जाएगा 6/9, या इसको हम काट भी सकते हैं 2 3 6 3 3 9, 3 से कट गया, 3 से दोनों भाग चला गया ऊपर नीचे, तो x बराबर क्या आ गया 2/3, तो हमने इसको x माना था और x किसके बराबर आ गया 2/3, अतः ये जो हमारा 0.6 के ऊपर बार था इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3, मतलब अगर हम 2 में 3 से भाग करेंगे तो हमको इस तरह की संख्या मिलेगी, ठीक है ना। चलो और इसी के बाद क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से देखते हैं, सेकंड नंबर पे इसी पे दिया हुआ है 0.47 के ऊपर केवल बार लगा हुआ है, दो संख्याएं दी हुई है और केवल 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है ना, इसको भी उसी तरह से करना है, मान लेंगे माना
x इक्वल टू 0.4 और 7 को पर लगा दिया बार, इसको भी पी एम आर क्यू के रूप में ही व्यक्त करना है, या इसी को हम कैसा ले सकते हैं x इक्वल टू 0.47, केवल 7 को पर बार लगा हुआ है, ठीक है, मतलब ये 7 ही बार बार आ रहा, 4 नहीं, 4 केवल एक ही बार है, ठीक है, इसको हम कोई इक्वेशन नहीं अभी नहीं लेते हैं। अब यहां पर देखेंगे इस बार दशमलव के इधर दाएं तरफ पहले कितने अंक थे, 2 अंक थे, एक अंक पर बार लगा हुआ था, एक अंक बिना बार का था, एक अंक बिना बार का था, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें, चलो इसको एक ही मान लेते हैं, एक में 10 से गुणा कर देते हैं क्योंकि एक विदाउट बार का अंक है, समीकरण एक में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, ये हो जाएगा 10x। पहले वाले क्वेश्चन पे एक संख्या पे बार था, हमने 10 का गुणा किया था, या भी एक संख्या पर ही बार है तो अभी 10 का गुणा कर रहे हैं, ये 10 का गुणा करेंगे 10x, इधर जब 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4.777, ठीक है, दशमलव एक अंक किधर आया क्या इनटू 10 करने के बाद डैश डैश डैश, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर मान लो 2। अब चूंकि इसमें कितनी संख्या दी है, कुल मिलाकर 2 संख्याएं दी हैं, पुनः समीकरण एक में 100 से गुणा करने पर, ठीक है, 100 से गुणा क्यों किया, क्योंकि 2 संख्याएं दी हुई थी, 3 संख्याएं दी हुई थी, तो 1000 से गुणा कर देते हैं, तो जब 100 से गुणा करेंगे यहां पे इसमें, तो x दिया हुआ है, ये हो जाएगा हमारा 100x, इधर जब 100 से गुणा करेंगे तो जैसे बताया ना 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव एक अंक संख्या, 100 से करेंगे तो 2 अंक संख्या आएगा, नॉर्मल ही गुणा है दशमलव का, ठीक है ना, तो यहां पे दशमलव 2 अंक संख्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 47.777 डैश डैश डैश, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाते हैं, दो को घटाने पर घटा देते हैं, 3 में इधर 100x लिखा हुआ है और 2 में 10x लिखा हुआ है, 100 में 10 घटा दिया, 3 में इधर लिखा हुआ है 47.777 डैश डैश, 3 लिखो 2 लिखो 4 लिखो, इधर इससे मतलब नहीं है, ठीक है, बहुत सारे लिखे हुए हैं, माइनस 2 में ये लिखा हुआ है 4.777 डैश डैश, 100x में 10 घटाएंगे, 100 में 10 घटाएंगे 90, 100x थे 10x कर गए 90x बचे, इधर घटाने के लिए वही तरीका 47.777 और ये क्या है 4.777, इधर सब में 77 ही लिखा है, फिर सब कट जाएगा 7777 जीरो हो गया, 7 में 4 घटाएंगे 3 और ये 4 पूरा बच गया 43, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 43/90, x हमने इसको माना था तो ये हो जाएगा अतः 0.47 के ऊपर बार इक्वल टू 43/90, ठीक है ना, इस तरह से इसको करना है, अच्छी तरह से देख के समझ के करना है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में चाहे कोई भी परीक्षा हो ये प्रश्न जरूर आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं, वो भी थोड़ा अलग टाइप का है, तीसरा क्वेश्चन, इसमें तीसरा दिया हुआ है 0.001, इसमें तीनों संख्याओं को बार लगा हुआ है, तीनों संख्याओं को पर,
ठीक है, करना वैसे ही है। सबसे पहले क्या करना है, मान लिया, माना x इक्वल टू 0.001, तो ऊपर ये बार, अब बार लगाए मतलब कि तीनों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, तीनों के ऊपर लगाए तीनों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 001 001 001, तीनों अंकों 001 001 001, तीनों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन। अब इसमें कुल मिला के कितने अंक थे, और तीनों की पुनरावृत्ति हो रही थी, तीनों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही ना, तो समीकरण एक के जब एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी तो 10 का गुणा किया था पहले सवाल में, फिर जब दो अंक एक में बाएं पक्ष में कितने अंक थे, दो अंक थे, वो 100 का गुणा किया था। यहां पे क्या करेंगे, समीकरण एक में दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करेंगे, जब 1000 से गुणा करेंगे 1000x, इधर पे जब 1000 से गुणा करेंगे तो दशमलव तीन अंक किसके का, 1 2 3 यहां पे लग जाएगा, मतलब हो जाएगा 1.001 001, इस तरह से हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दशमलव तीन अंक सर के 1000 पूरा कर दिए, तो अब भाई समीकरण दो में एक को घटाने पर घटा देते हैं, ये 1000x है माइनस एक्स, ये है 1.001001 माइनस 0.001001, ये 10x में 1x कटाएंगे तो कितने 1x बचेंगे, 999x, दो सॉरी 1000x में 1x कटा देंगे तो कितने बचेंगे 999x। इधर वही घटाना है, ये दशमलव की इधर की संख्या एक ही तरह की दिख रही ना, जैसा भी बताया घटा के, जब एक ही तरह की घट रही तो जीरो हो जाएगा, इधर क्या बचा दशमलव की इधर एक, एक में जीरो घटाएंगे तो बचेगा एक, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/999। ठीक है, तो हमने x किसको माना था, इसको माना था, अतः 0.001 के ऊपर बार लगा दिया 1/999, तो ये इस तरह से करना है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 0.999 को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। इस तरह से तो सवाल दिया हुआ है, सवाल आप लोग बुक से ही देखें, बुक का अरेंज कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हमने मान लिया, माना ये दिया हुआ है, माना x बराबर 0.9999, अभी ऐसा दिया हुआ है उसमें, इसको p अपॉन q के रूप में, मतलब कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोग कर रहे थे, के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, इसको सबसे पहले p अपॉन q के रूप में हम लोग व्यक्त कर लेते हैं, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देते हैं, एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो 10 से कर दिए, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे 10x,
इधर 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक खिसक गया ना, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 9.9999 डैश 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 डैश। अब समीकरण दो में एक को घटा देते हैं, दो में एक को घटाने पर, समीकरण दो में एक घटाएंगे, ये क्या लिखा है 10x माइनस एक्स बराबर 9.9999 ये डैश डैश माइनस ये 0.9999। 10x में 1x घटाएंगे 9x, इधर देखो दशमलव की इधर की संख्या ये, इधर दशमलव की संख्या एक ही है, जब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इधर दशमलव के इधर क्या है 9, इधर क्या है 0, 9 में 0 घटाएंगे तो 9 आ गया, तो x बराबर हो जाएगा 9/9, इतना बचा, 9 उधर ले गया बटे पे चला गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1। x हमने इसको माना था दशमलव के बाद ये 9 कितने बार लिखे हैं, इनफाइनाइट टाइम्स, बहुत अनंत बार लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दशमलव के बाद 9 कई बार लिखे हो तो वह लगभग किसके बराबर हो जाता है 1 के। अतः दशमलव के बाद यदि 9 अनंत बार लिखे हो लिखा हो तो वह 1 के बराबर हो जाता है या हो सकता है, एक्यूरेट एक तो बराबर ही होना चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन में था और आगे लिखा हुआ था कि अपने उत्तर, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, मैं तो नहीं हूं क्योंकि मैं कई साल से पढ़ा रहा हूं ऐसा ही आ रहा है, तुम लोग हो जाओ भाई, देखो दशमलव के बाद 9 अनंत बार लिखा होगा और अंत में आता वो किसके बराबर है 1 के बराबर, तो आप लोग इतना फिलहाल अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।